तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं डॉबर मैन के बारे में इससे पहले आपके पास में एक और डॉबर मैन था वो बड़ा हो गया था अभी इसकी एज क्या है ये तो अभी आठ महीने का है और इसका मतलब क्या आ, बेस्ट पोटेंशियल है जो बॉर्जोए में नहीं था ये मेनली तो गार्डिंग के लिए ही लिया है गार्डिंग आ, के लिए इससे अच्छी ब्रीड मुझे नहीं लगता अगर लोग बोल सकते हैं कि आ, रोटवेलर भी अच्छा है या फिटबुल है आ, गार्डिंग के लिए मुझे लगता है जर्मन शेफर्ड और डोबरमैन से अच्छी ब्रीड शायद ही हो वर्ल्ड में क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि ये सब चीज़ें बिना बोले ही सब कुछ समझ जाता है ऑटोमेटिक ट्रेन हो जाता है ये अगर आप ट्रेनिंग फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं भी दिलवाते इसको तो भी समझ जाता है अगर ट्रेनिंग दिलवा देंगे तो बहुत ओबीडियंस में रहेगा ये जैसा बोलेंगे वैसा करेगा बहुत अच्छा Uh, इसका वो रहता है प्रिडिक्टेबल डॉग रहता है अगर आप क्वालिटी ब्रीडिंग ब्रीडर से लोगे hmm. तो बहुत प्रिडिक्टेबल रहता है और हेल्थी uh, भी रहता ही है जनरली बाकी कुछ एज में जाके प्रॉब्लम्स आती हैं जनरली हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है नाइन्टी परसेंट डॉबरमैन को एक प्रॉब्लम और है जो डॉबर और जर्मन शेफर्ड में आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रही है उनके हिप डिस्प्लेसिया हो रहा है तो उनका जो बैक साइड है वो थोड़ा झुक जाता है तो इसके कारण कभी कुछ प्रॉब्लम लगा है कि उनके पीछे के पैर कमज़ोर हो गए हो या इस टाइप का कुछ नहीं ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ बोरजोई को जरूर

वेज काफ़ी वेज खाता है ये ये बचपन से ही वेज खाता है टोमेटोज़ और ये सब तो पेड़ से ही तोड़ लेता है बाकी फ्रूट्स भी इसको बहुत पसंद है आम और काफ़ी सारी चीज़ें अच्छा। तो खा लेता है ये कुछ कुछ भी खा लेता है मतलब ये फूड uh, वगैरह का कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है नहीं नहीं ये बहुत फूड रहते हैं डॉबर मैं तो ये तो सब कुछ ही खा लेते हैं स्टार्ट से रोटी चावल जो भी दोगे सब खा लेते हैं ये और नॉनवेज तो ज़रूरी रहता ही है डॉग्स के लिए मतलब फुल वेज डाइट पे आप नहीं डाल सकते तो नॉनवेज हफ्ते में एक आध बार कुछ दे देते हैं बाकी डॉग फूड में चल जाता था अभी इसकी जो ये वाला डॉबर मैन है इसकी भी आपने ट्रेनिंग वगैरह करवा रहे हो हाँ ट्रेनिंग इसकी चल रही है अभी ये इतना ओबीडियंट नहीं है धीरे धीरे हो जाएगा जा। द टाइम ट्रेन होके जो इससे पहले वाला था वो तो काफी ज्यादा ओबीडियंट हाँ। हो गया था जैसे कोई भी आता है जाता जा। है उसके ऊपर ये लोग भोंगते हैं तो हमेशा ये मतलब उस डिफेंसिव मोड पे ही रहते हैं क्या हाँ ये हमेशा अलर्ट मोड पे रहते हैं इनके कान से पता चल जाता है कितने अलर्ट मोड पे हैं ये और इनका मतलब नेचुरली ही इंस्टिंगटिव ऐसा रहता है कि ये ऑटोमेटिक ज़रा सी भी आवाज़ सुन के रात के कितने भी बजे हों कैसी भी नींद में हो इंस्टेंटली उठ के गेट पर खड़ा हो जाता है ये ये जो डॉबर मैन है इसकी काफ़ी सारे लोग टेल डॉगिंग जब करवाते हैं और काफ़ी लोग इसके खिलाफ में भी होते हैं तो टेल डॉगिंग करवाने का मतलब क्या होता है एस्थेटिकली uh, ही मेन तो मुझे लगता है इसलिए ही रहता है बाकी कुछ लोग बोलते भी हैं कि वो अटैक वटैक करे तो कोई ग्रैब ना कर पाए ये सब वो तो मुझे लगता है ऐसी बोलने वाली बातें मेन तो एस्थेटिक जो ये क्रॉपिंग का लुक आता है। हाँ, वो ही मेन चीज है तो मुझे लगता है उसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं अच्छा लगता है डॉग्ड में ही रियल लुक आता है उसका hmm. और एयर क्रॉपिंग अच्छा जो एयर क्रॉपिंग वगैरह जब इनकी होती है तो ये बचपन में ही हो जाती है बाद में नहीं करवाई जा सकती नहीं बाद में खड़े नहीं होते इनकी बोन्स डेवलप हो जाती हैं बचपन के टाइम में अच्छा ओके okay. बाद में नहीं होता ये इनका क्या प्राइस क्या होता है अगर जैसे कोई लेना चाहे तो क्या प्राइस है डॉबर मैन का अभी जब आपने लिया था मैंने तो इसको फोर्टी फाइव के में लिया था बाकी प्योर ब्रीड आपको अगर लेना हाई क्वालिटी तो इसी रेट के आसपास में आएगा पैंतीस चालीस पचास हज़ार के आसपास में क्योंकि वो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी मिलता है आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं तो प्योर ब्रीड में काफ़ी फ़ायदे होते हैं आप शो में भी ले जा सकते हैं पपीज़ भी इसके महंगे बिकेंगे अगर आप ब्रीडिंग करते हैं तो तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं और हेल्थ का भी एक एश्योरेंस रहता है कि कोई ऐसा इशू नहीं आएगा क्योंकि मैंने एक दो लोगों को देखा है उन लोगों ने लिया है डॉग और बाद में जाके कुछ बोन्स का प्रॉब्लम आ गया या इसकी जैसे बोन्स का डेंसिटी भी देखें तो काफ़ी थिक है स्ट्रक्चर पेरेंट्स जैसा है तो क्वालिटी ब्रीडिंग वाला थोड़ा महंगा पड़ेगा बाकी अगर लेना चाहें तो सस्ता भी मिल जाएगा पर मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा आप कहीं भी लें तो सर्टिफिकेट ज़रूर मांगना चाहिए तो जो फेक ब्रीडर रहेंगे वो अपने आप अलग हट जाएंगे ओके okay. ये जो डॉबर मैन है ये यूरोपियन है या आ, वो वाला है दूसरा अमेरिकन डॉबर मैन है ये यूरोपियन तो बहुत एग्रेसिव रहता है अपने आप मिलता भी नहीं है यूरोपियन अच्छा मुश्किल है अच्छा इनका जो स्ट्रक्चर होता है सभी का ये इस टाइप का होता है जो ऐसा लगता है जैसे लॉन्चिंग कर रहे हो ये इसी टाइप का लॉन्चिंग टाइप का इनका, इनका स्ट्रक्चर हाँ, होता है इनका या इन्हें कुछ कर, करके ऐसा बनवाना पड़ता है करवाते हो नहीं नहीं ये तो नेचुरल ही है ये ऑटोमेटिक बहुत एक्सरसाइज करते हैं लगातार ट्वेंटी फोर सेवन एक्टिव रहते हैं ये लोग और भागता ही रहता है ये अभी बचपन में तो कम से कम जब तक एक दो साल का नहीं हो जाता सुपर एक्टिव रहेगा ये मेच्योर होने के बाद थोड़ा शांत हो जाते हैं पर एग्रेशन तो तब भी रहता ही है अच्छा इन तीनों में डॉबर मैन और ये चाओ चाव में आ, सबसे अच्छा गार्डिंग पोटेंशियल किसका है डॉबर का सबसे अच्छा पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो जाता है क्योंकि वो वो पहचान लेता है कि कौन थ्रेट है कौन नॉर्मल है जैसे अभी हम बैठे हुए हैं तो उसने कुछ वो नहीं किया अटैक पर अगर आप अकेले आके बैठोगे तो वो, वो वे 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 देखी देखी आ, तो वो अटैक कर देगा हाँ तो वो अटैक कर देगा तो वो पहचान लेता है वाइब्स के थ्रू ओनर की वाइब्स के थ्रू कि ये अलाउड है कि नहीं ये पर्सन क्या माहौल ठीक है या लड़ाई हो रही है अगर जैसे अभी लड़ाई झगड़ा होने लगे चिल्ला चोट तो आ जाएगा अटैक कर देगा वो